नहीं, जब भी हमने भवन निर्माण विभाग को हमने पैसा अलॉट किया, कब कराए? कब कराया मतलब उसके समय मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। जवाब नहीं होने के कारण महोदय ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए। महोदय निश्चित तौर पे बहुत जल्द से जल्द कर देंगे। ये पूरा प्रश्न आपके अब ये पूछ लिया, बैठ जाइए आप। बीस सालों तक अगर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी जो है मंत्रालय ने जो बारह साल प्रश्न जो 20 साल है 12 साल टेंडर हुए हुआ, तो जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर वहां भवन का निर्माण नहीं करा पाई है तो उनका सवाल है क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी और कोई समय सीमा बता दी जाए? और जो आपने जो आवंटन के लिए जो टेंडर के लिए जो पैसा ट्रांसफर किया है भवन निर्माण विभाग को, वो कब किया महोदय और उसकी व्यवस्था अभी क्या है सच्चाई? पैसा उपलब्ध हमने करा दिया है और बहुत जल्द ही मैं इस पे जांच करके और इस वित्तीय वर्ष में अगर जानकारी आप विभाग से लेकर पत्र भेज दीजिए। जानकारी मैं उपलब्ध आपको सदस्य महोदय को मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तब तो ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय। देखिए प्रश्न पूछने का मतलब तो यही नहीं, जब भी हमने भवन निर्माण विभाग को हमने पैसा अलॉट किया, कब कराया मतलब उसके समय मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण महोदय ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय। इस विधायक स्थगित किया जाए महोदय, अगले कार्रवाई के मामले में भी अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पे भी नहीं बता रहे। देखिए कार्रवाई करना चाहेंगे माननीय सदस्य प्रश्न बैठ जाइए। प्रश्न में इन्होंने किए हैं कि पशु अस्पताल के भवन निर्माण करने की विचार रखती है या नहीं, तो मंत्री जी कह दिए कि हम विचार रखते हैं, हम देख लेते हैं, सकारात्मक जवाब दिए हैं और आपको विशेष जानकारी है तो फिर प्रश्न करेंगे या मिल लेंगे तो जवाब मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो प्रश्न किया गया उसका जवाब दिए हैं सप्लीमेंट्री प्रश्न। कुंदन कुमार मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अब चलिए आगे बढ़, क्वेश्चन लटक जाएगा बहुत सारा। कुंदन कुमार अध्यक्ष महोदय आप मंत्री जी प्रश्न पूछे। कुंदन जी आप पूछ लिए सर। हाँ चलिए अध्यक्ष महोदय आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता बेगूसराय के प्रतिवेदनानुसार जिले के कुल 7 विधानसभा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर नहीं बल्कि अंचल कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय एवं जिला भू अर्जन कार्यालय के लिए जिले में कुल 59 सरकारी जमीन का पद स्वीकृत है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 5 पद स्वीकृत है।